जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जी टीवी। मैं इस टाइम चंडीगढ़ में हूँ एंड मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं उन लोगों से मिलूँ जो कि इमिग्रेशन करते हैं एंड जिन लोगों से मैंने पहले काम किया है जिनके साथ। तो अब बात यह है कि अब लोग मुझसे डरते हैं। सच बोलने की जो पनिशमेंट है शायद वही है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई लूटे उन लोगों को जो एलिजिबली नहीं है, उनसे भी पैसे लेके इमिग्रेशन के नाम पे धोखा दें। तो जो सच मैंने 1.5 साल बोला है, इमिग्रेशन के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डरे हुए हैं मुझसे। तो मैंने एक्चुअली ये चाहा था कि जो लोग पंजाब में हैं या हरियाणा में हैं या आसपास हैं चंडीगढ़ के, तो वो लोग जो है अपना प्रोसेस उनके थ्रू कर सकें। जो लोग रीज़नेबल हैं, अगर काम होता है तभी फाइल लें, नहीं तो ना लें। उन लोगों से मैं बातचीत करके, यही मेरी कोशिश है आने का भी, यही मकसद है कि मैं आप लोगों की वो हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं जो है ग्राउंड में काम नहीं कर सकती मेरी हेल्थ की वजह से। एंड मेरी फैमिली सारी बाहर है, मेरे कोई फैमिली मेम्बर यहाँ नहीं है। तो मैं ऑफिस खोल के फिर से ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं हेल्थ के। तो एक ऐसी चीज़ सोच रही थी मैं कि कोई ऐसा हो जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो आपके डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मैं साउथ से हूँ तो वहाँ तो बहुत सारे लोग जान पहचान के हैं, पर साउथ साइड के जो लोग हैं, टेक्निकल स्टडीज़ हैं उनके एंड उनकी ग्राउंड भी टेक्निकल है एंड क्वालिफिकेशन वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग, एंड स्टडी पैटर्न बिल्कुल अलग हैं नॉर्थ एंड साउथ के। तो वो लोग आपके एप्लीकेशंस जो हैं लेंगे, तो आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो अलग हैं एंड उनके रिक्वायरमेंट अलग हैं। जो फ्यूचर में मैं ये भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे, उस टाइम मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। उस टाइम मुझे ये प्रपोज़ल था कि आपको लैंग्वेज आती है और हमारे पास कैपेबिलिटी है, आप पंजाब में जाइए और इस्टेब्लिश करिए अपने आप को। बट उस टाइम मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते थे कि मैं काम करूं ऐसे घूम के या मार्केटिंग करूं। एंड मेरी सबसे बड़ी बीमारी सच बोलने की, सच की दुकान खाली होती है हमेशा, क्योंकि आप सच बोलोगे तो पैसे नहीं कमा सकोगे। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में आज तक जो भी किया उसमें दूसरों का फ़ायदा सोचा, अपना फ़ायदा नहीं सोचा। तो वो एक बिज़नेस का ड्रॉबैक होता है। तो बट मुझे नॉलेज ही जब इस फील्ड में है तो मैं और कोई काम कर नहीं सकती। मैं यही सोच रही थी कि जैसे आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इतने सारे बार पूछते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि हमारी हेल्प कर सके, तो मैं उसी की तलाश में आई हूँ ताकि मैं आप लोगों की ये हेल्प कर सकूं कि आप उनके पास जाके अपना प्रोसेस करवाइए। तो जनरली जो करेगा, क्योंकि इसमें मैं कोई अपने कमीशन की या किसी चीज़ की बात नहीं करूँगी कि मुझे आप ये दें मैं आपके लिए मार्केटिंग करूँगी, ऐसा कुछ नहीं। बस यही सर्च करूँगी कि कौन जेन्युइन है, कौन आपके डॉक्यूमेंट्स सही प्रोसेस करेगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अगर आप एलिजिबल हैं नहीं हैं तो वो ना लें आपकी फ़ाइल। ऐसे ही 10-20-30 हज़ार रुपये कमाने के लिए भी आपसे ऐसे ही प्रोसेस के लिए पैसे ना लें। तो मैं उस के लिए भी ट्राई करूँगी, क्योंकि वो एक कनेक्शन होगा। अगर अच्छे लोग उन्हें मिलेंगे एंड किसी का भला होगा, तो वो मेरा एक मकसद है। बाकी मैं भी ये ट्राई करूँगी कि 4-5-6 महीने में या 7-8 महीने में एक बार पंजाब का ट्रिप करूँ, ताकि जो भी बातचीत है हमारी वो रेगुलर होती रहे। एंड मैं ये भी कोशिश करूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो इंटर स्कूल्स हैं इंटरमीडिएट लेवल के, जो कि 12th के बाद ही बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पर जाके डायरेक्ट काउंसलिंग करूँ और वहीं से जो है बेसिक फाउंडेशन होती है मैं वहीं से स्टार्ट करूँ। ये भी मेरा एक मकसद है, तो उसके लिए भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं वो भी करूँगी फ्यूचर में जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा। तो वो भी एक मेरा है, प्लान है, ताकि मिस गाइड कोई ना हो, सभी को सब कुछ पता हो और उस हिसाब से सभी कामयाब हों। तो देखिए आगे चल के क्या होता है, आपके साथ कनेक्टेड रहने की एक कोशिश है।
तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि पहले मैंने वीडियोस हिंदी में बनाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पंजाबी में वीडियो बनाते हैं, हिंदी में नहीं बनाते, तो ये हिंदी में बनाया। पता नहीं, शायद मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि शायद मैं फिर से ये काम करूँगी, ऐसा लगता है। पर अब मेरी हेल्थ कैसे साथ देगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, ज़्यादा काम नहीं कर सकती। फिज़िकली ट्रीटमेंट में हूँ, अंडर ट्रीटमेंट, तो देखो क्या होता है, मुझे नहीं पता। बट इंटरेस्ट तो फिर से जागा है, जो मैं चंडीगढ़ तक आ गई हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि साउथ इंडिया का कोई ऑफिस यहाँ पे एक्सपेंशन कर लूँ, या फिर यहाँ से जो है कुछ ना कुछ करूँ फ्यूचर में, आई डोंट नो। बट नाउ, बट आप लोगों की हेल्प करने का मेरा मकसद तो है कि किसी भी तरीके से, जैसे हमने हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा बचपन से ही, वैसे ही मैं इमिग्रेशन सिखाना चाहती हूँ सभी को, कि ये सब कुछ वैसे ही नॉर्मली सभी को पता हो। कोई ऐसा ना हो कि बिना किसी चीज़ के जाने पहचाने, बिना समझे पैसे दे दिए और बाद में बहुत मुश्किल हुई, काम नहीं हुआ। ऐसे ही सिखाना चाहती हूँ आप सब लोगों को, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, एक सब्जेक्ट के जैसे, जैसे एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है जिसमें पास होना ज़रूरी होता है, वैसे। अब मैं ये देखूंगी कि पंजाब के लोग मेरी हेल्प कितनी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के एंड स्कूल्स में, एंड आपके जो यहाँ पे इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं, जिनके ऑफिसर्स हैं, वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, आई डोंट नो। बट मेरी कोशिश तो यही होगी कि आपको उन लोगों से जोड़ूं जो वाकई कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो पैसे लेंगे, वो फ्री में नहीं करेंगे, बट वो लोग वो करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर कुछ हो सकता है तभी वो फाइल लें, अदरवाइज़ वो ना लें। ऐसा कुछ सोच के आई हूँ। अब देखिए भगवान की क्या मर्ज़ी है। तो मकसद आपसे मिलने का भी है, जिन्होंने मिलना है मुझे, मिलना चाहते हैं, वो मुझे वीडियो के नीचे नंबर दे दें, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं और आपसे मिल सकूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जी टीवी। हैव ए गुड डे।